हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इससे पहले अगर पार्ट वन नहीं देखा है इस वीडियो को तो प्लीज़ देख लो, बिकॉज उसके अंदर मैंने फ्रॉम 1 to 45 टोटल क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 46 to 90 पूरे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरी की पूरी NCERT कवर की है इसके अंदर, एक ही वीडियो के अंदर है, दो पार्ट्स के अंदर उसको बस डिवाइड कर दिया है। आपके नीट, एम्स और जिपमर जैसे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अपना स्कोर जितना भी आ रहा है उसको आप बूस्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी हर एक क्वेश्चन का और उसके साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, चलिए यहां पर शुरू करते हैं 46th क्वेश्चन, बिकॉज 1 से लेकर 45 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। द बर्ड्स टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, जो बर्ड्स हैं वो टेक्सोनॉमिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फैमिली, बी ऑर्डर, सी क्लास एंड डी फाइलम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इट विल रिप्रेजेंट द क्लास। ओके, सो गाइस चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंडिया के अंदर कब स्टार्ट किया गया था? 1970, बी 1972, सी 1981 या फिर डी 1985। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1972, बी ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1972। नेक्स्ट है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड डी नन ऑफ दीज। जो हमारा गंगा और यमुना एक्शन प्लान है वो किसने लिया था, यानी कि किसने शुरू किया था? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट, ऑप्शन नंबर ए द मेलानिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया, बी द लाइटर फॉर्म मॉथ हैज़ नो सिलेक्टिव एडवांटेज आइदर इन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर सी मेलानिज्म इज अ पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर, या फिर डी द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म्स अराइज बाय अ रिक्वायरिंग रैंडम म्यूटेशन। जो हमारा मौत के अंदर MOTH मौत के अंदर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें देखने को मिलता है, वो क्या चीज़ को प्रूव करता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, वो प्रूव करता है दैट देयर इज द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म्स अराइज बाय रिक्वायरिंग अ रैंडम म्यूटेशन। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप लोगों को अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नंबर ऑफ मेलानिक इंडिविजुअल्स हैं, इंग्लैंड के अंदर नोटिस किया गया था कि जितने भी मेलानिक इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीशीज के जिसका नाम है पेपर्ड मॉथ, ठीक है, वॉज बिकमिंग मोर कॉमन इन दैट एरिया, विच मीन्स दैट ओरिजिनली जो रेयर पॉपुलेशन थी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इज़ नाउ नॉर्मली लाइट कलर्ड मॉथ्स। आप लोगों को याद होगा जो मैंने आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लाइट कलर के और डार्क कलर के मॉथ थे, ठीक है, तो जो लाइट वाले थे ना वो ईजिली यहाँ पर नहीं दिख पा रहे थे और डार्क वाले इजीली दिख जाते थे, तो उनका शिकार ज़्यादा किया जा रहा था स्पीशीज के द्वारा। बट कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पोल्यूशन हुआ और वो जो हमारे डार्क वाले जो हैं वो छुप गए थे और लाइट वाले इजीली दिख जा रहे थे, तो जिसकी वजह से फिर वो लाइट वालों की पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन है जो कि नहीं सही तरीके से मैच किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जीन गन विच इज मैच्ड विद बायोलिस्टिक गन, बी प्लाज्मेट्स विच इज मैच्ड विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, सी इज DNA लाइगेस विच इज मैच्ड विद बायोलॉजिकल सिजर्स एंड डी बैक्टीरियोफेजेस विच इज मैच्ड विद वायरसेस। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, DNA लाइगेस इज मैच्ड विद बायोलॉजिकल सिजर, ठीक है, DNA लाइगेस जो है वो बायोलॉजिकल सिजर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, एड्स जो है वो HIV के द्वारा होता है, विच विल इन्फेक्ट ऑप्शन नंबर ए ऑल लिम्फोसाइट, बी एक्टिवेटर बी सेल, सी
साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर डी T4 लिम्फोसाइट्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी. जो एड्स है वो होता है HIV वायरस के द्वारा. ओके और ये HIV वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है T4 लिम्फोसाइट्स को. ओके विच आर ऑल्सो नोन एज हेल्पर टी सेल. हमारा जो साइटोटॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं T8 लिम्फोसाइट्स. ओके ये याद रखिएगा ध्यान से. नेक्स्ट हम चलते हैं 52nd क्वेश्चन की तरफ. अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज अ स्पीशीज ऑफ. ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास, बी ट्राइकोडर्मा, सी जैंथोमोनास या फिर डी बैसिलस. सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए स्यूडोमोनास. ओके नेक्स्ट चलते हैं. मियोसिस इन AABB विल प्रोड्यूस गैमेट. अगर हम AABB के बीच में मियोसिस करा देते हैं तो किस तरीके के गैमेट्स बनेंगे. ऑप्शन नंबर ए AB 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 and AB, बी AB and AB, सी AA and BB या फिर डी AA and BB. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए. आपको चार तरीके के गैमेट्स देखने को मिलेंगे विच इज AB 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 and AB. आप अगर इसकी क्रॉसिंग ओवर कराते हो इस तरीके से बी और बी क्रॉसिंग ओवर कर देते हैं एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. AA BB आप जब इसकी क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो आपको मिलेगा AB. इसकी और इसके साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा A और बी. इसको इसके साथ कराओगे तो ए और बी मिलेगा, इसको इसके साथ कराओगे तो ए और बी मिलेगा. तो आप देख सकते हो आपको यही गैमेट्स मिले थे ना नीचे AB और स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही है. यस बिल्कुल सही. ठीक है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ए वाला. नेक्स्ट हम चलते हैं. बैक्यूलो वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर. द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम विच इज इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. ओके नेक्स्ट हम चलते हैं. व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड. यानी कि जो आपके सामने एज पिरामिड शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर शो हो रही है. पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपके ये हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज इतने लोगों की है और प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज सिर्फ इतने लोगों की है. सो ये किस तरीके की पॉपुलेशन यहाँ पर शो कर रहा है. ऑप्शन नंबर ए वैनिशिंग पॉपुलेशन, बी स्टेबल पॉपुलेशन, सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या फिर डी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. एंड गाइस आपको डायग्राम देख के पिरामिड देख के समझ में आ गया होगा द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रेट कम हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है. क्यों? बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो बिल्कुल कम है, रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बिल्कुल कम है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, वो यहाँ पर दिखा रही है दैट देयर इज रिडक्शन ओवर टाइम इन रीजन सेंसेस. ओके तो ये किस लिए हो सकता है? हो सकता है कुछ कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन की इमिग्रेशन डिजीज़ हो सकती है, फेमाइन या फिर सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी भी हो सकती है. तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है. उसके बाद द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस के अंदर वो किस तरीके का जनरली होता है. उसके अंदर सिर्फ RNA होगा, सिर्फ DNA होगा, RNA और DNA दोनों होंगे या फिर RNA या फिर DNA में से कोई एक होगा. दैट इज वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी कि RNA होगा या फिर DNA होगा और वही होगा जो शो करेगा वन न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर. तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वायरस के अंदर वो या तो RNA होगा या फिर DNA होगा. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन. कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है अपने डिजीज के साथ और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ इन्फेक्शन के साथ. ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी और मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है विद इंस्पायर्ड एयर. ठीक है जो आप सांस लोगे उससे. बी है निमोनिया, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ठीक है नेक्स्ट है
सी है एलिफेंटियसिस जो कि वकेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है, यही इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताया जा रहा है, और इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड की वजह से ये फैल सकता है। और डी है मलेरिया, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू, और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है बाइट ऑफ मेल एनोफिलस मॉस्किटो। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। ठीक है, जो यहाँ पर आपकी करेक्ट मैचिंग की गई है वो की गई है निमोनिया की, विच इज़ पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और ये होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है अ नॉर्मल विजन मैन। ठीक है, एक नॉर्मल विजन मैन है जिसकी शादी हो गई, मतलब जो कि उसके फादर जो थे कलर ब्लाइंड थे, और उनकी शादी हो गई एक वुमेन से जिसके फादर भी कलर ब्लाइंड थे। नाउ उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो डॉटर है। नाउ क्या चांसेस होंगे दैट दिस चाइल्ड कुड बी कलर ब्लाइंड? ऑप्शन नंबर ए 100% चांसेस, बी 0% चांसेस, या फिर डी है 25% चांसेस। एंड आप लोगों को पता ही है कि अगर एक नॉर्मल विजन मैन है, उसने शादी कर ली एक वुमेन के साथ जिसके फादर को कलर ब्लाइंड डिजीज जो है, तो जो उनकी वाइफ है, ठीक है, जिससे उन्होंने शादी की है, जो उनकी वाइफ है उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बट वो क्या होंगी, वो कैरियर होंगी उस डिजीज़ की। ठीक है, अगर मदर नॉर्मल है तो वो कैरियर होंगी उस डिजीज़ की, और यही कैरियर होने की वजह से ये ट्रेड जो है आगे पास होगा चिल्ड्रन में, बट जो डॉटर होगी जो इस कपल ने प्रोड्यूस की है वो यहाँ पर कैरियर होगी, ना कि इस डिजीज़ को, वो डिजीज़ उन्हें होगी। तो आप कह सकते हो कि कैरियर है, डॉटर क्या है, डॉटर कैरियर है, लेकिन वो डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं है, और जो 50% सन्स हैं दे वुड बी कलर ब्लाइंड। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 0%। तो इन्होंने यही तो पूछा है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है डॉटर, क्या वो यहाँ पर कलर ब्लाइंड होंगी, कितने चांसेस होंगे? तो उनके चांसेस है 0%, उनको ये डिजीज़ नहीं होगी बट वो कैरियर होंगी इस डिजीज़ की। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज नॉट लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। सी अडैप्टिव एबिलिटी इज नॉट इनहेरिटेड टू द लाइफ साइकिल और द सॉरी अडैप्टिव एबिलिटी इज नॉट इनहेरिटेड, या फिर डी म्यूटेशन इज रैंडमली डायरेक्शनलेस। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड फोर्थ, सी हेयर नन ऑफ दीज, डी ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ, म्यूटेशन जो है वो रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है, और जो डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन के बारे में, उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ बताई थी, वो ये था कि नेचुरली ही नेचर ही सिलेक्ट करता है एवोल्यूशन के लिए आगे स्पीशीज को। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है न्यूक्लियोसोम का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आपको बताना है ये जो ए बी और सी यहाँ पर लेबल किए गए हैं ये क्या है। चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। जो ये फर्स्ट वाला है ये तो है आपका डीएनए, उसके बाद जो ये बी है, ये चीज जो आपको देखने को मिल रही है ये है आपकी हिस्टोन, और H1 हिस्टोन आपको कहेंगे इसको कहेंगे, और जो सी है ये जो ये वाला राउंड वाला पोर्शन दिख रहा है ये है हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 61st क्वेश्चन है आपके सामने। 61st क्वेश्चन सेज दैट कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है आपका प्रोटीन मैट्रिक्स, और बोन, बोन क्या है आपका यहाँ पर, बोन इज कैल्शियम मैट्रिक्स। नाउ इस कैल्शियम मैट्रिक्स और प्रोटीन मैट्रिक्स को यहाँ पर कहा जाता है रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। स्टेटमेंट सेकंड कहती है कि जो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? अगर सही हैं तो क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है, क्या वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है? ये सब तमाम बातें आपको नीचे ऑप्शंस में मिल जाएंगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज कार्टिलेज कंप्राइजेज ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो किसका बना हुआ होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, विच आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोक्टिन सल्फेट, और बोन जो है वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो याद रखिएगा तीनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है 62nd क्वेश्चन।
विच सेज हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए, बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट्स दैट इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड जीन्स. सी, द एंटी कोएगुलेंट हिरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस सीड. एंड डी, फ्लेवर सेवर्स वेराइटी ऑफ टमेटो हैज इनहेंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन विच इम्प्रूव्स इट्स टेस्ट. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल सही लगती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज, ए वेट अ सेकंड, विच सेज द एंटी कोएगुलेंट हिरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपर सीड. ओके, नेक्स्ट है 63rd क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शंस विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन. आपको यहाँ पर सही उस ऑप्शन को टिक लगाना है जिसका, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सही हार्मोन लिखा हुआ हो और उसका सही फंक्शन लिखा हुआ हो. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है. हार्मोन है यहाँ पर FSH और उसका फंक्शन है इट विल स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. बी है प्लासेंटा, हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड फंक्शन है इट विल इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क. सी है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका हार्मोन है एस्ट्रोजन और फंक्शन है एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. एंड डी है लेडिक, जिसका हार्मोन है एंड्रोजन एंड फंक्शन है इनिशिएट्स द सेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, लेडिक सेल्स. और देखो यहाँ पर लेडिक सेल का हार्मोन बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर एंड्रोजन, और उसके साथ साथ उसका फंक्शन भी सही लिखा हुआ है इट विल इनिशिएट द सेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ओके, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, ना कि सिर्फ एंडोक्राइन या हार्मोन या फंक्शन, तीनों चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए थी. सो लेडिक सेल्स को आप एक और नाम से जानते हो, वो क्या है? बिल्कुल सही बोला आपने, इंटरस्टीशियल सेल, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इंटरस्टीशियल स्पेसिस में. ठीक है, इंटरस्टीशियल स्पेसिस में, जो कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन. ठीक है, मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होगा? टेस्टोस्टेरोन के अंदर. नाउ एंड्रोजन जो है क्या काम करता है? इट विल प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्माटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ. तो यही तो है, इनिशिएट द सेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम. नाउ राइबोसोम के बारे में यहाँ पर क्या सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS, जहाँ पर S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट. बी है दीज आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. सी है दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स. एंड डी है दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNAs. And the correct option here is option number B. These are composed of ribonucleic acid and protein. Ribosome जो होते हैं वो amembranous होते हैं, which means they are without membrane. Ribosome की कोई भी membrane नहीं होती है. ठीक है, cell organelle के अंदर, तो cell organelle किसके बने हुए होंगे? They are made of rRNA and the proteins. और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक के अंदर भी और यूकैरियोटिक के अंदर भी. लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 70S टाइप के होंगे, जबकि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो होंगे 80S टाइप के. उसके बाद है मोनोकॉन्डेलिक स्कल, वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन. ऑप्शन नंबर ए रेप्टिलिया, बी बर्ड्स, सी एम्फीबिया या फिर डी आपका मेमेलिया. एंड गाइस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट है 66th क्वेश्चन है आपका, द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन लैरिंग्स. ठीक है, ह्यूमन लैरिंग्स का ये डायग्राम है. आपको बताना है जो लेबलिंग यहाँ पर की गई है ए बी सी और डी, उसका सही कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज ए जो आपका ऑप्शन है इट इज़ एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस है. बी है आपका थायरॉइड, ये आपका थायरॉइड है. सी है ट्रैकियल कार्टिलेज, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रैकियल कार्टिलेज है. और जो डी ऑप्शन है वो है आपका ट्रैकिया, ये पूरा आपका क्या है? ट्रैकिया.
ओके तो ये आपकी सही लेबलिंग हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं. ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल. बी, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सी, माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. डी, माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. फिफ्थ, ट्रू सेक्सुअलिटी इज नॉट फाउंडेड इन बैक्टीरिया. सिक्स, अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर ऑक्यर्स. ठीक है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा के रिस्पेक्टिव में कौन सी स्टेटमेंट सही है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. इट मीन्स आपकी थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के सभी स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही. इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर हमें सही बनाना है तो कैन नॉट हटाना पड़ेगा. माइकोप्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेता है. नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन है, विच सेज, आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं दो. कॉपर टी जो है एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर. और स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहता है कि कॉपर टी जो है वो क्या करता है, उसका फंक्शन बताया हुआ है. इट प्रिवेंट पासेज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम वजाइना अपवर्ड्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. वेट अ सेकंड, ऑप्शन नंबर सी कि स्टेटमेंट वन जो है वो तो बिल्कुल सही है लेकिन स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है. और स्टेटमेंट वन क्या है कि कॉपर टी जो है वो एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इन ह्यूमन फीमेल्स. ये आप IUD कह सकते हो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है कॉपर टी, जो कि प्लास्टिक या फिर मेटल का ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन द यूट्रस बाय अ डॉक्टर. ठीक है, यूट्रस के अंदर इसको प्लेस किया जाता है डॉक्टर की हेल्प से. नाउ जो कॉपर टी है उसका काम क्या होगा, इट विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. ये दोनों उसके काम होते हैं. ये कभी भी प्रिवेंट नहीं करता पासेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अपवर्ड्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, फंक्शंस पता चल गए कॉपर टी के. इट विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. नेक्स्ट है हमारा 69th क्वेश्चन, विच सेज, भाई मैच द फॉलोइंग. ठीक है, वापस से आपको मैचिंग करनी है. और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे जो 100 क्वेश्चन वाली सीरीज थी उसके अंदर हमने कवर किया है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी. आप लोग जाकर उस पूरी सीरीज को देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, विच सेज, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इट विल गोज विद माल्पीजियन कॉर्पस्कल. बी है आपका कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इट विल गोज विद हेनलेज लूप, हेनलेज लूप में ही कंसंट्रेशन होता है यूरिन का. सी है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, यूरेटर के थ्रू. और डी है स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन जो हमारा यूरिन है उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ठीक है, यूरेटर से कहाँ आता है, यूरेटर से, यूरेटर की मदद से जो हमारा यूरिन है वो कहाँ पे आएगा, ब्लैडर के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स बिलोंग टू, टेंडोन्स और लिगामेंट्स किसको बिलोंग करते हैं. ऑप्शन नंबर ए मस्क्यूलर टिश्यू, बी एपिथेलियल टिश्यू, सी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर डी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स बिलोंग टू द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 71st क्वेश्चन की तरफ, विच सेज, आपको मैच द फॉलोइंग वापस से करनी होगी. इट विल इंक्लूड कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकेंड, और आपको सही ऑप्शन को टिक लगाना है. एंड आई गेस आपने टिक लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो वीडियो को अभी के अभी पॉज कर दीजिए और अपना सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच सेज दैट एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर विविपैरस. बी, एनिमल्स विच प्रोड्यूसेस बर्ड आर हाइड्रा. सी, जो एनिमल्स हैं विच शोज रीजनरेशन आर द प्लेनेरिया. एंड द एनिमल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर इज प्लासेंटा. एनिमल्स मैंने गलत बोला, ठीक है, यहाँ पर आएगा द पर्टिकुलर थिंग विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर इज नोन एज प्लासेंटा. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. कंबाइनिंग ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इन लंग्स कैन बी प्रमोटेड बाय. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए व्हेन द देयर इज डिक्रीजिंग O2 कंसंट्रेशन इन ब्लड. बी, इंक्रीजिंग O2 कंसंट्रेशन इन ब्लड. सी, इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड. एंड डी,
introducing CO in blood. And the correct option here is option number A. हम hemoglobin को oxygen के साथ lungs के अंदर तभी combine कर सकते हैं जब वहाँ पर oxygen की concentration blood के अंदर कम हो. ठीक है, next है, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी इस question के बारे में कि hemoglobin जो है वो oxygen के साथ कब यहाँ पर combine करता है lungs में, जब oxygen concentration जो है वो कम होगी blood के अंदर. ठीक है, next है आपके सामने कुछ particular मैचिंग करनी है आपको वापस से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थ्री एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एनिमल्स का ग्रुप दिया गया है, हर एक ग्रुप में तीन एनिमल्स लिखे हुए हैं, उनको मैच किया गया है उनके एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. तो आपको बताना है किसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही मैच किया गया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, दे आर मैच्ड विद वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज ये तीनों जो हैं किसको बिलोंग करते हैं, ये तीनों ही स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच तीनों ही यहाँ पर बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को. स्पाइडर जो है वो बिलोंग करती है टू द क्लास आर्किनिडा, स्कॉर्पियन जो है वो बिलोंग करता है टू द क्लास आर्किनिडा, और कॉकरोच जो है वो बिलोंग करता है टू द क्लास इंसेक्टा. ठीक है, याद रखिएगा इनकी क्लासेस, याद रखिएगा और इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो लोअर किया जाता है, मतलब लोअर हो जाता है किसकी डेफिशिएंसी से. ऑप्शन नंबर ए पैराथॉर्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, या फिर डी कैल्सिटोनिन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए पैराथॉर्मोन. ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा अगर पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है. एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि सिक्रीट किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की मदद से, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और वो जो यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट किया गया है वो क्या करेगा, यहाँ पर इट विल एक्ट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, और क्या इंक्रीज कर देगा, ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से देयर विल बी ब्रेक डाउन द बोन मैट्रिक्स एंड रिलीज कैल्शियम इनटू द ब्लड, यानी कि बोन से यहाँ पर लिया जाएगा कैल्शियम. नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से आपको वो बताना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज ओनली फिफ्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि नथिंग इज अब्सॉर्ब्ड इन माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन. माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं होता है, तो ये वाली बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. प्लीज़ इस आंसर के अलावा इन स्टेटमेंट्स को भी एक बार पढ़ लेना, बिकॉज हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तब आपको पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ पर्टिकुलर ऐसे होती है. जैसे कि जो अब्सॉर्प्शन होता है सिंपल शुगर, एल्कोहल और कुछ वाटर और मेडिसिन का, वो कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर. तो इस तरीके की स्टेटमेंट याद रखिए. नेक्स्ट है, द विश बोन ऑफ द बर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम. ऑप्शन नंबर ए स्कल, बी पेक्टोरल गर्डल, सी पेल्विक गर्डल, या फिर डी हिंडक्लिम. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी पेक्टोरल गर्डल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 77 क्वेश्चन पर. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम. आपको वो सही स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जो कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, बिल्कुल सही लिखी हुई है. जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल का डिजीज़ है. बी ऑस्टियोपोरोसिस, इस डिजीज़ के अंदर देयर विल बी डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज. सी है मायस्थेनिया ग्रेविस, विच इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स. एंड डी है हमारा गॉट. गॉट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम.
यहाँ पर सही स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर बोन मास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, कि छोटा सा फ्रैक्चर भी हुआ और उसकी वजह से जो हड्डियां हैं जल्दी से नहीं जुड़ पाएंगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्टडी द डायग्राम ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स का आपको डायग्राम यहाँ पर पढ़ना है और आपको बताना है ये जो ए डी और सी वाली लेबलिंग की गई है ये क्या है। आपको हिंट दी गई है, विच नंबर्ड लेबल इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर, इट विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू अ सिनेप्टिक वेसिकल्स। सी है यहाँ पर, विच नंबर पॉइंट टू न्यूरोट्रांसमीटर एंड विच नंबर पॉइंट्स टू सिनेप्टिक क्लिप। यानी कि अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा वो नंबर है जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल की लोकेशन कौन शो कर रहा है। उसके बाद सिनेप्टिक वेसिकल्स कौन शो कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा अल्फ़ाबेट शो कर रहा है, और सिनेप्टिक क्लिफ्ट कौन सा अल्फ़ाबेट शो कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज सी ए बी डी। ठीक है, विच इज सी ए बी डी, बिल्कुल क्लियर, बता देती हूँ आपको सी ए बी डी। इसका मतलब हेयर इज जो हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सिनेप्टिक वेसिकल हैं वो है दिस वन, ये है सिनेप्टिक वेसिकल। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये अंदर लगे हुए हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। और जो हमारा लास्ट है वो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ये हो गया आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 79th क्वेश्चन की तरफ। 79th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इन टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक टू पैरालाइज द प्रे। बोनी फिशेज यूज पेक्टोरल, पेल्विक, डोर्सल एनल एंड कॉडल फिन्स इन स्विमिंग। सी, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड हैज थिक स्केल्स। डी, बर्ड्स आर पॉइक्युलोथर्म्स एनिमल्स। या फिर फिफ्थ, द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, कि आपकी जो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और सेकेंड और थर्ड बिल्कुल गलत हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉर्मोन्स इज आर करेक्ट। हॉर्मोन्स के रिस्पेक्टिव में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हॉर्मोन्स एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट एंड हॉर्मोन्स में बी प्रोटीन, स्टीरोइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड बायोजेनिक अमाइंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। यानी कि कौन सा पेयर है यहाँ पर जो कि इनकरेक्ट मैच किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकागन बीटा सेल। ओके, सेकेंड है हमारा, बीटा सेल इसका सोर्स है। ठीक है, सेकेंड है सोमाटोस्टेटिन विच इज डेल्टा सेल सोर्स। सी है कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन सिक्रीशन होता है यहाँ से। और डी है इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस का ये यहाँ पर आपको बताया गया है और ये एक डिजीज है। तो कौन सी पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट मैच की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल गलत मैच किया गया है। बिकॉज ग्लूकागन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, नॉट बीटा सेल, दे आर सिक्रीटेड बाय द अल्फा सेल। ठीक है, दे आर सिक्रीटेड बाय द अल्फा सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहंस इन द पैनक्रियाज। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर, पैनक्रियाज के अंदर। और ये क्या करते हैं, जब भी ये सिक्रीट होते हैं क्या करते हैं, इट विल इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 82nd क्वेश्चन की तरफ। नाउ 82nd क्वेश्चन हेयर सेज दैट स्टेटमेंट नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक इज नेसेसरी
फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि स्टमक के अंदर HCl का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, बिकॉज उसी की वजह से डाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा. सेकेंड है HCl kills and inhibits the growth of bacteria in the stomach. और HCl का काम क्या होता है, वो kill करता है और ग्रोथ, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है स्टमक के अंदर. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आपको लग रहा है? द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी. अब बी कैसे होगा कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकेंड है ना वो बिल्कुल भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का. बिकॉज जो HCl है स्टमक के अंदर वो बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए, बिकॉज जो एसिडिक मीडियम होते हैं वो जनरली एक्टिवेट कर देते हैं द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक. उसके बाद जैसे ही वो गैस्ट्रिक जूस एक्टिव हो गया है तो अब क्या होगा, जो HCl है वो मेंटेन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक pH ऑफ अबाउट 1 to 2 इन द स्टमक. ठीक है, 1 to 2 जो आपका स्टमक के अंदर एसिडिक pH होता है उसको मेंटेन करता है कौन, HCl. और इसी एसिडिक pH पर कौन होगा, इनएक्टिव हो जाएंगे कौन, पेप्सिनोजेन इज स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज टू एक्टिव पेप्सिन एंड इनएक्टिव प्रो रेनिन इन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव रेनिन. और इसी टाइम पर जो प्रो रेनिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव रेनिन के अंदर. इनएक्टिव प्रो रेनिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव रेनिन के अंदर. और पेप्सिन और रेनिन दोनों ही अब एक्टिव हैं, इट विल डाइजेस्ट द प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस. ठीक है, उसी के साथ साथ जो सेकेंड आपकी स्टेटमेंट है, अब मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कि कैसे HCl हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर. सेकंड स्टेटमेंट कहती है दैट HCl जो हेल्प करता है टू किल एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दैट मे एंटर इन द स्टमक अलोंग विद द फूड. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज इट हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच, यानी कि कॉमन कॉकरोच के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो कि होती है. ऑप्शन नंबर ए, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलोन. बी, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन इन ब्लड. सी, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया. एंड डी, द फूड इज ग्राउंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड. कॉकरोच टेक्स द फूड आफ्टर ग्राउंडिंग बाय इट्स मैंडिबल एंड गिजार्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. डी जो है वो बिल्कुल सही है. वाई, बिकॉज कॉकरोच जो है दे विल टेक द फूड आफ्टर ग्राउंडिंग बाय इट्स मैंडिबल एंड गिजार. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट. ठीक है, जो एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन किडनी से उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन नंबर ए, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. बी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग HCO3. सी, नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल. या डी, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. वेट अ सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, दैट नियरली 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. Okay, urine formation जो है generally उसके अंदर तीन तरीके के main process होते हैं. यहाँ पर urine formation का ही जिक्र किया गया है. urine formation जो है it will involve three main process which will glomerular filtration, reabsorption and secretion. ठीक है, ये तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि 99% जो है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा. नेक्स्ट है 85th क्वेश्चन, विच सेज दैट कॉलम नंबर फर्स्ट को कॉलम नंबर सेकेंड के साथ आपको मैच करना है. एंड हेयर इज इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस. एंड डी इज मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल. आपको यहाँ पर बताना है किस फेज के अंदर होता है ये. एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, विच सेज, वेट अ सेकेंड, ए विच सेज दैट इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज इन द स्टेज जाइगोटीन एंड synthesis of RNA and protein is in the state G1 phase and action of endonuclease is in the state anaphase 1 and last is movement of chromatids towards opposite pole is in the, wait a second, I guess we did the wrong one.
वापस से करते हैं, इज इनिशिएशन ऑफ, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इज हैपन्ड इन द जाइगोटीन स्टेज. बी इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इट विल हैपन इन जी1 फेज. उसके बाद हमारा आता है एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, इट विल हैपन इन पैकेटिन. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टूवर्ड्स अपोजिट पोल, विच विल हैपन इन एनाफेज सेकेंड. ठीक है, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एनाफेज वन और एनाफेज टू दोनों दे दिए थे. याद रखिएगा जो मूवमेंट होती है क्रोमेटिड की टूवर्ड द अपोजिट पोल्स वो हमेशा एनाफेज सेकेंड के अंदर होती है. नेक्स्ट है फिगर, आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल कॉकरोच. आपको यहाँ पर सही लेबलिंग बतानी है ए बी एंड सी की. ठीक है, ए ये रहा आपका, बी ये रहा और सी ये रहा. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए. जो हमारा ए वाला पोर्शन है इट इज स्पर्मथी का, बी इज हेयर कोलेटरल ग्लैंड्स और जो सी है वो है गोनेपोफाइसिस. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 87th क्वेश्चन की तरफ, विच विल से दैट स्टेटमेंट नंबर 1 ईईजी इज ऑफ इमेंस डायग्नोस्टिक वैल्यू इन द कार्डियक डिजीज, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इट विल डिफेक्ट्स इन कार्डियक फंक्शन कैन बी रिफ्लेक्टेड इन चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड इन द ईईजी. तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? अगर सही हैं तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पे फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, अगर एक्सप्लेनेशन भी सही है तो. अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाना होगा. अगर स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है तो सी ऑप्शन, और अगर दोनों ही गलत है तो डी ऑप्शन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. जो आपकी दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल गलत है. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ द वेरियस इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल. ठीक है, अगर कार्डियक फंक्शंस के अंदर या स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसको कौन शो करेगा? ईसीजी. यहाँ पर सी लगा लेना, ना कि ईईजी. ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, ईईजी आएगा, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर ईईजी ही आएगा. ठीक है, तो एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो जनरली ईसीजी होता है उसके अंदर किसी भी तरीके की कार्डियक फंक्शन के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो ईसीजी उसको रिफ्लेक्ट जरूर करेगा. ईसीजी क्या होता है? इट विल देयरफॉर ऑफ इमेंस डायग्नोस्टिक वैल्यू इन द कार्डियक डिजीज. और दूसरी तरफ जो ईईजी होता है वो क्या होता है? वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को दिखाता है. ठीक है, उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम. ठीक है, सो नाउ इट विल शोज द स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन विच इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड प्लेट प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प. स्कैल्प के ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हमें हमारे ब्रेन की पूरी एक्टिविटी बताते हैं इन ईईजी. डिफरेंस समझ में आया ईईजी और ईसीजी के अंदर? ईसीजी हमारे कार्डियक फंक्शन या कार्डियक के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर कोई इफेक्ट आएगा तो ईसीजी शो करेगा, और अगर ब्रेन के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको कौन शो करेगा? ईईजी. ठीक है, नेक्स्ट है एन एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय. एक एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है? ऑप्शन नंबर ए, बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन. बी, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल. सी, रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सो अलाउइंग इट टू कंटिन्यू. या फिर डी, ब्रिंगिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल इन टू प्रिसाइज ओरिएंटेशन विद ईच अदर. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रिंगिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल इन टू प्रिसाइज ओरिएंटेशन विद ईच अदर. एक एंजाइम जो है इट कैन रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज नीडेड फॉर द रिएक्शन टू अकेयर. और कैसे करेगा? बाय बाइंडिंग विद अ सबस्ट्रेट एंड स्ट्रेनिंग इट्स बॉन्ड्स सो अलाउइंग फॉर ईजियर रिएक्शन टू अकेयर. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 89th क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट वाला फिर से क्वेश्चन. एम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए गाइज आपको इसके अंदर, राइट? तो स्टेटमेंट है कि इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर देयर इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. ठीक है, सेकेंड है कि इम्प्लांटेशन क्या करता है? इम्प्लांटेशन इज कंट्रोल्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड इट ऑक्यर्स बाय डेसीडुअल सेल रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का. बिकॉज जो अटैचमेंट का होता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जिसको हम मेमेलियन ब्लास्टुला भी कहते हैं ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 90 वाला क्वेश्चन.
90 क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन क्वेश्चंस को रिवाइज करना मत भूलना। स्टेटमेंट नंबर वन है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा कॉजेज रिफ्लेक्स एक्शन लाइक वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन शो करता है? मेड्यूला ऑब्लिगेटा। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज़ मेनी नर्व सेल विच कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है यहाँ पर? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, कि स्टेटमेंट नंबर वन भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट नंबर सेकंड स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। कैसे? बिकॉज मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो है उसके पास कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व सेल विच विल एक्ट एज वाइटल सेंटर्स ऑन मैनी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, कफिंग हो गया और स्नीजिंग हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, इसी के साथ हमने टोटल 90 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ऑलरेडी गिवन है, वहां से जाके आप पार्ट वन देख सकते हो। ओके, फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एंड लेक्चर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लस अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, उनकी भी हेल्प करिए, उनको भी क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और आप दोनों फ्रेंड्स मिलकर एक ही कॉलेज में जा सके। ओके, जोक्स अपार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।